अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत क्विक और इजी रेसिपी स्वीट कॉर्न सालसा की। तो स्वीट कॉर्न सालसा की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी और क्विक से इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। स्वीट कॉर्न सालसा है तो ऑफकोर्स हमें स्वीट कॉर्न चाहिए, जो कि हमारे पास है 1 कप। हाफ लेमन हम इसमें यूज़ कर देंगे। इधर हमारे पास थोड़े से स्पाइसेस हैं वो बता देती हूँ मैं। चाट मसाला है, चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, सॉल्ट है, ग्रीन चिलीज़ हैं और कोरिएंडर है। ये सब हम इसमें डालेंगे। अच्छा, 3 किस्म के हम चिल्ली यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं ज़्यादा नहीं डालेंगे, और ये ज़्यादा हैं भी नहीं, थोड़ी सी हैं। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ है ऑनियन, जो कि हम 2 टेबल स्पून डालेंगे, और टोमेटोज़ हैं 2 टेबल स्पून डालेंगे। इनको मैंने बारीक से चॉप कर लिए हैं। और ये हमारे पास कुकम्बर है और कैप्सिकम है, जो कि हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। और हमारे पास वेनेगर है, ये हम डालेंगे हाफ टी स्पून जितना, या इसका हाफ कैप डाल दें। और ये डोरिटोज़ हैं जो कि हम इसके साथ सर्व करते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डालते हैं ये हमारा स्वीट कॉर्न 1 कप चला गया। इसके साथ हमारे पास इसमें है यहाँ ऑनियन, ये चला जाएगा 2 टेबल स्पून जितना, ये सारा नहीं डालेंगे, ज़्यादा है ये कटिंग हुई भी। इसके साथ हमारे पास ये टोमेटोज़ हैं, ये सारे डाल देते हैं क्योंकि मुझे बहुत मज़े के लगते हैं इसमें टोमेटोज़। और ये है 1 टेबल स्पून हीप जितना कुकम्बर और कैप्सिकम। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ हमारे पास यहाँ जो, हाँ, हमने ये सब कुछ ऐड कर दिया। अब हम इसमें ये भी डाल देते हैं। इसमें है कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पेपर है, सॉल्ट है, चाट मसाला है, ग्रीन चिलीज़ हैं और हरा धनिया है। ये सब इसमें अच्छे तरीके से मैं डाल देती हूँ अभी स्पून की मदद से। और इसमें लेमन यूज़ कर देती हूँ। सीड हम निकाल देंगे लेमन के, निकाल दूंगी मैं। और ये हम इसमें डाल देंगे वेनेगर, बस 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून जितना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने सॉल्ट वो लेमन डाला है और सॉल्ट भी डाला है। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके डोरिटोज़ के साथ डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। सालसा हमारा रेडी हो गया और मैंने इसको डिश आउट कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसको डोरिटोज के साथ एंजॉय करें। और इधर मैं बना देती हूँ आपको एक क्विक और इजी रिफ्रेशिंग ड्रिंक। अभी आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो इसमें ये बहुत अच्छा समर के लिए एक ड्रिंक है, तो मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। और ये इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो इधर मैंने क्या किया है, हाफ लेमन लिया था बड़ा वाला, उसको स्क्वीज़ करके इसका जूस निकाल दिया है। ये 2 टेबल स्पून जितना होगा या 3 होगा। और इधर मैंने ग्लास में पानी डाल दिया। अब मैं इसमें जूस डाल देती हूँ, लेमन का जूस डाल दें। थोड़े से ये मिंट लीव्स हैं मेरे पास, बस इसको ऐसे ही डाल दें। जब आप इसको इसमें थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो ये अपना ऑलरेडी स्ट्रैक निकाल देता है और बहुत मज़े का। लेमन हमने डाल दिया था और मिंट डाल दिया था लेमनेड में, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये ब्लैक सॉल्ट। ये ब्लैक सॉल्ट है, ये पिंच डाल देते हैं एक बड़ी सी पिंच डाल देते हैं इसके अंदर। और ये बड़ा ही इसका अच्छा टेस्ट हो जाता है। फिर इस तरीके से इसको स्टेयर करते हैं और फिर इसको हम पी लेंगे। और जब ये मिंट चाहे तो इसको आप तोड़ तोड़ के भी डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा हेल्दी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन जाएगा ये, और आप इसको सालसा के साथ इंजॉय करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।